तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। देखिए, इसमें बेसिकली क्या दिया कि अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाइट, रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बेसिकली हमें हाइट दे दिया है, हमें बेस दे दिया है, और हमें इसमें कर भैया सेंड से आप लोग फिल कर रहे हैं। और हमें प्यारे बच्चों आगे क्या कह रहा है कि दिस बकेट इज इम्पटीड ऑन द ग्राउंड एन ए कॉनिकल शेप। ठीक है, मतलब कि भैया एक हमारा तो पहले सिलेंडर से हमें किसमें बदलना है, इसमें हमें कॉनिकल शेप में बदलना है। यानी प्यारे बच्चों कुल मिला जुला कर देखिए यहाँ पर किसका किसका कन्वर्जन हो रहा है। यानी यहाँ का भैया एक सिलेंडर है, सिलेंडर को हम बेसिकली किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक कॉनिकल शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बस प्यारे बच्चों, तो भैया चाहे आप लोग सिलेंडर में भरिए, चाहे आप लोग कौन में भरिए, क्या सेम रहेगा बताइए। आप लोग वॉल्यूम सेम रहेगा कि नहीं? बिल्कुल सेम रहेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ आपका सिलेंडर बेसिकली किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ कौन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कौन के इक्वल होगा कि नहीं? बिल्कुल इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बताइए आप लोग, पाई आर स्क्वायर एच होता है। वॉल्यूम ऑफ क्या कौन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं? होता है, बिल्कुल होता है प्यारे बच्चों। बस इसकी हमें हाइट दिया है, डायमेंशन सब दी है, तो निकाल लेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें दो चीज़ पूछ रहा है। पहला हमें पूछ रहा है कोण की हाइट, मतलब कि इस वाले कि कोण की हमें रेडियस पूछ रहा है। ठीक है भैया, रेडियस तो हम यहाँ से निकालेंगे नहीं, बिल्कुल निकालेंगे। तो चलिए वैल्यू हम लोग रखते हैं, पाई से पाई हमारा कैंसिल होगा, जो हमारा कैंसिल होगा उसको पहले काट देते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना बताइए आप लोग, रेडियस ऑफ सिलेंडर बेसिकली हमारा 18 है, यानी 18 का स्क्वायर। हाइट हमें दिया 32 सेंटीमीटर और 1/3 इंटू रेडियस, तो भैया हमें निकालना है। हाइट हमें कोण की दे दी है, हाँ बिल्कुल दिया, 24 सेंटीमीटर दिया। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हम लोग रेडियस नहीं निकालेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। और प्यारे बच्चों एक बात हमें और पूछ रख भी है इसके स्लैंट हाइट का, यानी स्मॉल एल क्या होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, स्लैंट हाइट इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। यहाँ से भैया जब यहाँ से रेडियस आएगा, इसकी वैल्यू रख लेंगे तो हमारा कोण का स्लैंट हाइट भी मिल जाएगा प्यारे बच्चों ने, बहुत आसान है। अब प्यारे बच्चों हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, ये भी आसानी है, बस थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट देखेंगे क्या लगेगा। इसमें क्या दिया, वाटर इन ए कैनाल, मतलब कि जो हमारा नदी में पानी बह रहा है जिसकी 6 मीटर वाइड है, 1.5 मीटर डीप है, इन ए फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। यानी भैया एक घंटा में कितना जा रहा पानी, 10 किलोमीटर आपका डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। हाउ मच एरिया इट विल इरीगेट इन 30 मिनट, इसमें देखिए प्यारे बच्चों पूछ रहा है भैया 30 मिनट में भैया कितना आपका वाटर इरीगेशन हो गया, मतलब कि आप लोग खेत, जैसे हम लोग देखते हैं खेत में ट्यूबवेल पानी चलता है, तो उसी के बारे में बात हो रही है भैया कितना समय लगेगा। तो बहुत आसान प्यारे बच्चों, पहला बात कि मान लेते भैया कि हमारी जो नहर होती है या हमारे कैनाल है उसको हम लोग किसको शेप में मानते बताइए। इसको हम लोग मान लेते भैया ये आपकी क्यूबाइड शेप की होती है। यहाँ पर आपको बेसिकली लेंथ दे दिया, सॉरी ब्रेथ दे दिया, कितना ब्रेथ दे दिया 6 मीटर, और यहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोगों को हाइट मतलब जो गहराई है बेसिकली वह कितनी दी है, 1.5 सेंटीमीटर दिया। तो प्यारे बच्चों बहुत आसान, सबसे पहला काम इसमें क्या दिया कि 10 किलोमीटर पर आवर जा रही है। तो मान लेते प्यारे बच्चों वन आवर में कितना ट्रेवल करेगी, 10 किलोमीटर ट्रेवल करेगी नहीं, बिल्कुल ट्रेवल करेगी। यानी कुल मिला जो भैया आपकी 10,000 मीटर इतना ट्रेवल करेगी, बिल्कुल ट्रेवल करेगी। तो अच्छा 10 मिनट एक घंटा में हमारी कितनी ट्रेवल कर रही है, 10,000 मिनट, तो यानी 60 मिनट में हमारा इतना भैया डिस्टेंस है कि नहीं, बिल्कुल है। क्यों मैं कर रहा हूँ बता रहा हूँ, यहाँ से बेसिकली मतलब भैया अगर 30 मिनट का निकालना है तो यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे, यानी भैया डिवाइड बाई 60 इंटू आप लोग 30 करेंगे, तो कुल मिला जुला कर 30 मिनट में आपकी बेसिकली 100 बाई डिवाइड बाई 2 इतना आएगा कि नहीं, इतना ही हमारा 30 मिनट में भैया कुल कवर होगा कि नहीं, बिल्कुल कवर होगा। तो प्यारे बच्चों यही आपकी बेसिकली लेंथ हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जैसे मान लेते भैया पानी हमारा बह रहा है, तो एक हमें 30 मिनट में इतना दूर मान लेते भैया 30 मिनट में इतना ही दूर इसका पानी रहा होगा, तो इतना ही वॉल्यूम का तो पानी भैया हमारे खेत में आएगा, आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको बेसिकली आपको लेंथ में मिली कितनी मिल गई, लेंथ मान लेते हैं चलिए 5000 मिल गई कि नहीं, बिल्कुल मिल गई। तो बस प्यारे बच्चों अब हमें देखिए, अब हम फार्मूला लगाते हैं भैया कि हमारा जो खेत है वह बेसिकली कितना पानी भर रहा है। तो बस कैसे हम लोग निकालते हैं, बस बहुत आसान है। तो वॉल्यूम निकालिए आप लोग, निकालिए क्या, तो वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हम लोग सारी वैल्यू रखेंगे, वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात हमें और करें भैया, 8 सेंटीमीटर स्टैंड होना चाहिए। तो बस प्यारे बच्चों 8 सेंटीमीटर से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वॉल्यूम उसको 8 सेंटीमीटर दिया है तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। लेकिन पहले सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलने के लिए अपन क्या कर देंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा मीटर में हो जाएगा। तो बस प्यारे बच्चों इसी को वैल्यू रखिएगा, आपकी आ जाएगी कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगी। बस वही प्यारे बच्चों हमें समझाना था कि भैया जो हमें लेंथ हम लोग कैसे निकाल, लेंथ हम लोग स्पीड से ही निकाल लेंगे।
अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं आगे आगे वाला देखिए क्या। अब फार्मर कनेक्टेड पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनाल। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भैया डायमीटर से कनेक्ट करा जो कि सिलेंड्रिकल टैंक में फिल करना। देखिए इसमें क्या करा भैया कि आपका जो फार्मर है, फार्मर भैया यहाँ से एक आपका सिलेंडर शेप का है, उसमें भी भैया एक आपको बेसिकली कनेक्ट नहीं, जैसे हम लोग पानी स्टोर करते हैं जैसे हमारी टंकी में पानी होता है उसी बात है, उसी पाइप के बारे में दे दिया। तो प्यारे बच्चों इसमें भी हमें क्या दे दिया है, इसमें भैया आपको डायामीटर दे दिया है, सारा चीज़ यहाँ पर हमारा क्या है सिलेंड्रिकल है। तो बस वहाँ से वॉल्यूम को हम कंजर्व करा के काम कर लेंगे। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको बेसिकली हाइट मिल जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर है। इसमें बेसिकली हमें आवर में ही बात की है, नहीं सॉरी इसमें भी हमें टाइम निकालना है, वो किस में निकालना है, मिनट में निकालना है। तो ये भी आपको पिछले क्वेश्चन की तरह है कि नहीं, बिल्कुल है। तो प्यार बच्चों ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, जिन बच्चों से नहीं होगा वह देखिए एक हमने इसको किया, इसको रिमाइंड करके फिर से देखेंगे, फिर भी नहीं होता है तो इसको हम लोग अगले सेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। अगर प्यार बच्चों यहाँ तक आप लोग आ चुके हैं चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, इसी तरीके से मैं बहुत सारी वीडियो बनाया हूँ तो आप लोग जाके देख सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।